हाय, मेरा नाम है संजीव जायसवाल और मैं भी उन टूरिस्टर में से एक हूँ जो कि लाचेन में 7 दिनों से फंसे हुए हैं। तो लाचेन में उस रात को क्या हुआ था, आखिर क्या कंडीशन उस समय हुई थी कि पूरे लाचेन के लोग और जितने भी टूरिस्टर लोग थे सब डर चुके थे, और कैसे पूरे लाचेन के लोग और पूरे टूरिस्टर लोगों ने मिलकर इस प्रॉब्लम को फेस किया एक साथ और खुशी खुशी आज रेस्क्यू होकर अपने घर की वापसी कर रहे हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश इस वीडियो के थ्रू, तो वीडियो पूरा देखना, आप सभी को अच्छा लगेगा। News in Sikkim, a flash flood in the river Teesta in Sikkim's Lachin Valley on Tuesday night has left 3 people dead and 23 army personnel missing. और लाचेन वैली में कुछ आर्मी एस्टेब्लिश हुआ, लाचेन के लोग भी सब सेफ हैं। सड़कों का तो बुरा हाल है, तो गुरुदुम्बार लेक का रास्ता कुछ ऐसा है, एक घर देखो धंस चुका है। और ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई ज़ॉम्बीज़ अटैक हो जाता है, पूरे घर आर्मी स्कैम खाली हो जाते हैं, उस टाइप का फील हो रहा है। पूरे हैवी ट्रक यहाँ पर ऐसे छोड़ दिए गए हैं और इसमें देखता हूँ घर में, देखो आर्मी वाले अपने बैग छोड़ के नीचे की तरफ, उन लोगों का कनेक्शन कट चुका है बाहर के लोगों से, रास्ता पूरा ढह चुका है वहाँ पे। बाय बाय। फाइनली इंडियन एयरफोर्स के जरिए 9 दिनों बाद लाचेन से हमें रेस्क्यू कर लिया गया। आप सभी को तो मैंने बता दिया कि मैं लाचेन में फंसा था, लेकिन मैं लाचेन कब और कैसे पहुंचा, तो इसके पीछे एक मजेदार कहानी है। ये हूँ मैं और ये है मेरी स्कूटी। कतई स्वाद आ रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं कोलकाता से अपनी स्कूटी लेकर निकल पड़ा था दार्जिलिंग के लिए, जो कि मेरे कोलकाता से दार्जिलिंग की ट्रिप की सबसे मेन डेस्टिनेशन थी। लेकिन दार्जिलिंग पहुंचने के बाद और वहां पर कुछ दिन बिताने के बाद मुझे पता चलता है कि दार्जिलिंग से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही ग्रीन स्टेट ऑफ इंडिया सिक्किम में आप सभी का स्वागत है। तो फिर क्या था, मैं अपनी स्कूटी लेकर मस्त निकल गया सिक्किम को देखने के लिए। वेलकम टू गैंगटॉक। तो फाइनली हम लोग गैंगटॉक में इंटर कर चुके हैं। अब सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में पहुंचने के बाद मैं बस यूं ही घूम ही रहा होता हूं। मुझे नहीं पता थी, इस भाई ने मुझे बताया, तभी मेरी मुलाकात इस भाई साहब से होती है। और ये 20 रुपए उठाता है। और इस भाई ने ही मुझे गुरुदुम्बार लेक के बारे में बताया, और गुरुदुम्बार लेक नॉर्थ सिक्किम के लाचेन से होकर ही जाता है। और इस भाई ने यह भी बताया कि नॉर्थ सिक्किम के लाचेन जाने के लिए नॉन गियर्स व्हीकल अलाउड नहीं है, मतलब मैं अपनी स्कूटी लेकर नहीं जा सकता। और तभी मेरी मुलाकात इन भैया से होती है, जो कि बाइक रेंट पर देते हैं। रिटर्न आते वक्त इन लोग ने ये पुलिस फॉर्मेलिटी सब रख देगा। हाँ, यहाँ पे अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गई है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद मैं निकल जाता हूँ लाचेन के लिए। और हम लोग जा रहे हैं मंगम, वहाँ से हम लोग का पहला चेक पोस्ट आएगा। मेरी जर्नी तो काफी अच्छी जा रही होती है, लेकिन अचानक से भाई साहब यहाँ पे बहुत तेज बारिश होने लगी, जिसके चलते मुझे फिर से रेनकोट पहनना पड़ेगा। एजेंसी वाले भाई साहब ने भी बोल दिया था कि मौसम खराब है, थोड़ा संभल कर जाना। तो इसीलिए अमरदीप को मैं बोल रहा हूँ कि सही से बाइक चलाने के लिए, उसको इसका एक्सपीरियंस है। गियर वाला बाइक अमरदीप अच्छे से चला लेता है, मेरा एक्सपीरियंस स्कूटी में। तो बैठ के रहने वाले ना, तो थोड़ा संभल कर चलना पड़ रहा है। और अब देखो ढाल कितनी ज्यादा हो गई है। पहले तो मुझे लगा कि मौसम आगे चलकर नॉर्मल हो जाएगी, काफी संभल कर चढ़ना पड़ रहा है भाई। रास्ते बहुत ज्यादा खराब है यहाँ के, इसीलिए पानी में मत जाना, पानी में गड्ढा रहेगा, साइड से चलना। सर लाचेन किस तरफ जाना है? लाचेन और ये सब आर्मी की ट्रक जा रही है क्या? करने की बात है, अभी आर्मी की ट्रक आ रही है ना, क्योंकि सामने बॉर्डर भी है, इसीलिए प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। लेकिन हमें किसी भी हालत में लाचेन पहुंचना है, क्योंकि हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है। हाँ, रुक जा। अभी रुक। लेकिन जैसे जैसे मैं लाचेन की तरफ जा रहा था, मौसम पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी थी, और शायद यही संकेत था कि लाचेन में आज कुछ होने वाला है। मैंने अपने लाइफ में ऐसी जर्नी कभी नहीं की। नागालैंड के आपको जखामा वाले रास्ते याद होंगे कि मैं वहाँ पे भटक गया था, तो उससे भी कहीं अलग लेवल की मेरी यहाँ पे अभी लगी पड़ी है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर कुछ नहीं दिख रहा है और पूरा फॉगी वेदर और बहुत जोर की बारिश हो रही है। लेकिन अंकल बोल रहे हैं कि अभी यहाँ पे लैंडस्लाइड यानी पत्थर भी गिर रहे हैं, तो संभल के जाना।
तो इन खराब सड़कों पर इन खराब मौसम में कंटिन्यू 10 से 12 घंटे की बाइक राइड करने के बाद यहाँ पर देखो वेलकम टू लाचेन। तो फिलहाल होटल सबसे पहले लेना पड़ेगा हमें। हम लोग रात के तकरीबन 10:30 बजे पहुंच जाते हैं लाचेन। यहाँ पे रूम अभी बुक हो गई है इस जगह पर, अभी हमें रूम दूसरे जगह पर लेना पड़ेगा। 14 डिग्री यार, 14 डिग्री है। और अपने होटल में जाकर डिनर करने के बाद मैं सोचता हूँ कि गुरुदुम्बार लेक के लिए मैं सुबह सुबह उठकर अपनी जर्नी को फिर से शुरू करूंगा। लेकिन मुझे क्या ही पता था कि कुछ देर बाद हमारे साथ एक ऐसी घटना होने वाली है जो कि मेरे लाइफ की और उन तमाम टूरिस्टर के लाइफ की एक बहुत ही भयानक रात होने वाली है। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे होटल मैनेजर थे जो हमें सिर्फ ऊपर भागने का इंस्ट्रक्शन दे रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बस मैं देख रहा था कि पूरे लाचेन के लोग, चाहे वे टूरिस्टर हो या लाचेन के लोकल, सब लोग अपने को लेकर ऊपर की तरफ भाग रहे थे। सब लोग इतने पैनिक हो गए थे कि कहीं कहीं पर रोने की आवाज, कहीं पर चिल्लाने की आवाज भी मुझे सुनाई दे रही थी। क्या होगा हमारे साथ, भगवान बचाओ। आराम से आइए, पेट्रोल पंप पर कोई बात करिए, आराम से आइए आप लोग। हट जा, हट जा, भाग। आइए आइए। सब है तो साथ में, कुछ ये प्लास्टिक वाला ये नहीं है रेनकोट बच्चों को ऐसे ढकने के लिए। मोनेस्ट्री के अंदर चल, मोनेस्ट्री के अंदर चल। आजा आजा अमरदीप, आजा अमरदीप, सब लोग आओ। हाँ सब लोग आओ। क्या दुर्भाग्य लेके आया है? कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा हो जाएगा, भगवान सब अच्छा करेगा। सारा टूरिस्टर लोग इधर ही आ गया ना। और बाद में पता चलता है कि ऊपर में एक मॉनेस्ट्री है जो कि लाचेन के सबसे हाई अल्टीट्यूड पर है। मॉनेस्ट्री के अंदर आ गए हम लोग। सिचुएशन शायद गंदी होने वाली, इसीलिए आर्मी वालों ने पहले ही हमें संकेत दे दिया सारे पूरे लाचेन के लोगों को, और सभी लोग ऊपर आ गए हैं मॉनेस्ट्री के अंदर। तो भाई यहाँ पर देखो अभी प्रेयर हो रही है, प्रेयर चल रही है, इसीलिए सबको शांत रहने को बोला गया। और तब मुझे एक बात समझ आती है कि इंसान के ऊपर जब अपनी जान की बात आती है तब उसे भगवान की याद आती है। भगवान का नाम लिए सब लोग यहाँ रुके हुए हैं। और उस रात एक चीज ऐसी हुई जो कि मेरे दिल को छू गई, और वह चीज थी लाचेन के लोगों का प्यार। सिचुएशन इतनी ज्यादा टफ है और सब लोग ऊपर में भाग आए हैं, लेकिन यहाँ पर देखो यहाँ के लोकल लोग कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं। देखो पूरे गांव के लोग ना, हम लोगों को भूखा देख लाचेन के लोगों ने हमारे लिए खाना बनाने लगे। खाने बना रहे हैं, वहाँ पे खाना पक रहा है। थैंक यू ब्रदर। मानो ऐसा लग रहा है कि हम लोग लाचेन में नहीं बल्कि अपने घर में हैं। फिलहाल रात तो जैसे तैसे करके हमारी बीत तो जाती है, और सभी को शायद लग रहा होगा कि कल रात की जो नेचुरल डिजास्टर थी वो कोई छोटी मोटी डिजास्टर होगी। लेकिन यह हम लाचेन के लोगों की सबसे बड़ी भूल थी। हमें क्या पता था कि हम लोग उस रात मरते मरते बचे हैं, जो कि आपको खुद वीडियो में आगे पता चल जाएगा। और उस रात ही हमारी इंटरनेट कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से जा चुकी थी, जिसके चलते हमारी फैमिली से और बाहरी लोगों से कनेक्शन पूरी तरह से कट हो चुका था। और यह नेचुरल डिजास्टर इतनी खतरनाक होगी, मुझे इस बात का अंदाजा तब लग जाता है जब मेरी मुलाकात इन दो आर्मी ऑफिसर से होती है। टूट गया है पुल क्या? तो आज यहीं पे रहना पड़ेगा। कब तक जा सकते हैं ऊपर गुरुदुम्बार लेक? तो नीचे का रास्ता खुलेगा, बंदा आएगा, यानी अब टाइम लगेगा, एक दो दिन लग जाएगा क्या? चार पाँच आएगा। चार पाँच दिन? हाँ। यानी अब हम लोग को यानी गाड़ी जाने का। हाँ हाँ, टूट गया। और अभी जो फ्लो चल रहा है अभी तक ये कम नहीं हुआ है रिवर का। अरे यार सब टूट गया भाई। ये BSF के ही यानी आर्मी के ही लोग थे, देखा आपने कि इन्होंने क्या बोला, सारे पुल टूट चुके हैं, अब हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं तकरीबन 2-3 दिन के लिए, अब कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। नहीं देखो फिलहाल देखो सारे टूरिस्टर लोग अपने होटल से बाहर इस जगह को देख रहे हैं, लाचेन को ऐसे घूम रहे हैं।
और यहाँ के लोकल्स भी ऐसे ही घूम रहे हैं। और बहुत लोगों से मैंने बात की तो उन्होंने बोला अभी एक दो दिन आप यहीं पर फंसे हो, नीचे जाने के लिए ऊपर जाने का तो कोई सीन नहीं रहा, एक दो दिन यानी तीन चार दिन के लिए जैसा कि आर्मी वालों ने कहा। तो चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। और क्या ब्रिज व्रिज सब टूट गया? अब तो गुरुदुम्बार लेक तो जा नहीं सकते ना। तो आर्मी वालों और इन भाई की बातों को सुनकर मैं उस ब्रिज को देखने के लिए निकल जाता हूँ जिसे पार करके ही हमें गुरुदुम्बार लेक जाना होता है। देखो पूरा लैंडस्लाइड हुआ रात के टाइम में और पूरा पत्थर यहाँ देखो खाई है पूरा, देख के चल। मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा होप था कि शायद वह ब्रिज सही सलामत हो, लेकिन जैसे ही मैं उस ब्रिज के पास पहुंचता हूं, आगे जो मैं देखता हूं, उसे देखकर मेरे होश उड़ जाते हैं। क्या ही बोलूं, रास्ते कटते जा रहे और ये भी कुछ देर में अब जाने वाला है। और इस जगह को देखकर ही जहां पर एक ऊंची ब्रिज हुआ करती थी वहां पर बड़े बड़े पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं था। यहां पर देखो आर्मी की जो कार है उसके ऊपर पत्थर गिर गई है। देखो यहाँ पे घर बच गया, वो पत्थर शायद वहाँ का सीमेंट का कोई स्लैब होगा उसने रोक लिया, घर बच गया, लेकिन गाड़ी का इंजन तो पूरा गया। लाचेन में उस रात मैंने क्या फील किया आप सभी को तो मैंने बता ही दिया, लेकिन अब वक्त है यहाँ के कुछ और टूरिस्टर के मन की बातों को जानने का। हम लोग उठे नहीं, सुबह उठे देखा बाहर का गेट का कुंडी लगा हुआ, हो सकता है नॉक करते हैं, डर के मारे कुंडी लगा दी। हम तो सोचा हम निकल के जाते भी। रात को क्या सीन हुआ था जिस दिन भूकंप आया? बाप रे उस दिन का सच में बोलूं तो उस दिन तो हम लोग आए, हाँ। बहुत जर्नी किया, हाँ। रात को 8:30 बजे यहाँ पहुँचा, 9:30 बजे पहुँचा, तो उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद सोया तो करंट चला गया। तब जो गया हमको तो पता नहीं, नेटवर्क भी चला गया। हम लोग तो सो गए हाँ। इसका तो पता भी नहीं कि ऐसा कुछ हुआ। अच्छा, इसके वजह से नेटवर्क। आप लोग मॉर्निंग में उठी कि कोई आपको बताया कि बाहर निकलो? मॉर्निंग में उठा। अच्छा, आप लोग मॉर्निंग में। सब सेफ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो था सब सेफ है, किसी को कुछ नहीं हुआ। कल का हॉस्पिटैलिटी कैसा लगा यहाँ के जो लोकल्स लोगों ने? काफी हेल्प किया, बहुत अच्छा। यहाँ के लोकल तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, बहुत हेल्पफुल। देखते ही देखते लाचेन में 3 दिन कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता। और तभी मुझे मेरी फैमिली की याद आने लगती है जिनसे बात किए हुए मुझे 3 दिन हो गए थे। और तभी एक सबसे बड़ी बात मेरे दिमाग में आई कि मुझे पता था कि मैं जिंदा हूँ, लेकिन इस तरह की लाचेन की न्यूज देखने के बाद शायद कोई भी फैमिली होगी जो अपनों को ना खोते हुए भी खोता हुआ महसूस कर रही थी। तभी एक ग्रुप के लोगों से पता चलता है कि हमारे पास की जो आर्मी कैंप है वहाँ पर सैटेलाइट फोन के जरिए फैमिली से बात करवाई जा रही है। तो बिना देर के हुए मैं तो पहुँच जाता हूँ आर्मी कैंप, लेकिन वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि आर्मी वालों की जो सैटेलाइट फोन थी खराब मौसम के कारण कट चुकी है। तो फिर क्या था, उदास मन लिए मैं फिर से अपने होटल आ जाता हूं। आज मेरा लाचेन में 5वां दिन है और इन 5 दिनों में बिना इलेक्ट्रिसिटी और बिना इंटरनेट के कैसे रहा जाता है मैंने यहाँ अच्छी तरीके से सीख लिया था। और यह कहना गलत नहीं होता कि मैं भी एक पहाड़ी बन चुका था। रोज सुबह जल्दी उठना और लाचेन की इन गलियों में घूमना और यहाँ के लोकल लोगों से ढेर सारी बातें करना मेरी रोज की रूटीन बन चुकी थी। जब से मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ तब से क्या ही बताऊँ, अलग ही फील हो रहा है। यहाँ पर मैं सारी गलियों में जा रहा हूँ, लोकल से बात कर रहा हूँ, तो और यहाँ के बच्चे कितने ज्यादा क्यूट है मैं क्या बताऊँ। और मानो यहाँ के विलेज के पूरे लोग मुझे जानने लगे थे। लाचेन को काफी मिस करूंगा, इन लोगों को बहुत ज्यादा मिस करूंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपने लाचेन की सबसे फेवरेट जगह दिखाता हूँ। शायद आपको देखकर थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन मेरे लिए सबसे फेवरेट जगह यही थी और वह जगह थी पब्लिक फूड कैंप। अब आपको शायद लग सकता है कि यहाँ पर फ्री में फूड दी जा रही थी तो इसीलिए यह मेरी फेवरेट जगह है, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। लेकिन ये थी मेरी दूसरी रीजन। मेरी पहली रीजन कुछ अलग थी। लाचेन वालों की तरफ से यहाँ पे सभी को जितने भी टूरिस्टर फंसे हुए ना सबको यहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास तो अब स्टॉक में तो है नहीं खाने के लिए, तो सारे लाचेन वाले लोग हमें देख रहे हैं और सारे टूरिस्टर को खिला रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कहाँ से हो आप?
भोपाल से। कैसा लग रहा है यहाँ के लोकल वाले हमें कैसा ट्रीट कर रहे हैं आपको, आपका क्या एक्सपीरियंस? लोकल काफी सारे तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा। कुछ कुछ का एक्सपीरियंस खराब रहता है, बाकी सारे तो अच्छे हैं। हाँ, लेकिन काफी हेल्पिंग नेचर है ना। पूरे लाचेन में यहाँ सिर्फ एक लौती जगह थी जहाँ पर सारे लोग एक साथ मिला करते थे, मानो सारे एक ही फैमिली के लोग हैं। जैसे आर्मी लोग हमारी हेल्प करते हैं, ठीक वैसे यहाँ के लोकल लोग भी हमारी हेल्प कर रहे हैं और यहाँ तक कि फूड भी दे रहे हैं खाने के लिए, फिर चाय वो सब कुछ दे रहे हैं। यानी हम लोग इतनी बड़ी मुसीबत में फंसे हुए, लेकिन यहाँ के लोकल वाले ऐसा हमें दिखा रहे हैं कि ये प्रॉब्लम छोटी है, क्योंकि सब लोग एक फैमिली जैसे हो गए ना। और यहाँ के जो टूरिस्टर लोग हैं और लोकल लोग हैं, सब लोग एक फैमिली जैसे बन गए। कहीं भी जाओ, अचानक से रैंडम पीपल मिल रहे हैं, बात कर ले रहा हूँ, स्ट्रेंजर, यानी कोई स्ट्रेंजर नहीं रहा। और पहली बार कुकर की सीटी बजने पर लोगों के चेहरे पर इतनी खुशी मैंने देखी थी। और कैसे मुश्किल हालात में लोगों को मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए, इस जगह को देख मैं समझ गया था और इसीलिए यह जगह मेरे लिए सबसे फेवरेट थी। नीचे जाने में कितना टाइम लग जाएगा ब्रिज बनने में आपके हिसाब से? हम लोग जाएंगे कैसे फिर गैंगटॉक, यानी वापस कैसे जाएंगे? मदद करेगा। हाँ, वो तो है। इन 7 दिनों में मैं जितने लोगों से मिला, सभी लोग बस एक ही बात पूछा करते थे कि हम सभी यहाँ से कब निकलेंगे। और ये भी बोल रहे कि चॉपर भी आ सकता है। कब? हाँ, ये एग्जैक्ट आर्मी वाले भी नहीं कह सकते। यहाँ पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि कब तक हम लोग यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि बिना इंटरनेट कनेक्शन के हमें बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है किसी को नहीं पता था। और आर्मी वालों का कहना था कि अगर मौसम साफ रहा जल्द से जल्द हमारी रेस्क्यू की जाएगी। लेकिन उसी दिन आसमान से पूरे लाचेन के लोगों को एक आवाज सुनाई देती है, और सभी लोगों को इतना समझ आ गया था तो फाइनली हम लोग का रेस्क्यू होने का टाइम आ चुका है। भाई एक्साइटमेंट देखो, सब लोग जैसे ही हेलीकॉप्टर देखे, सब लोग बैग वैग लेके रेडी हैं, जिनका नंबर आने वाला है तो सब लोग रेडी हो गए यहाँ पर निकलने के लिए। आप लोग भी निकल रहे क्या? नंबर आ गया आप लोग का? अच्छा, चलिए बाय बाय, अलविदा कर दीजिए लाचेन को। बाय बाय, आराम से जाओ सब लोग। चिट्ठी लिखना पहुंच तो भाई यहाँ पे फाइनली लाचेन के लोगों को अलविदा कहने का टाइम आ गया है। चॉपर भी आ गई है वहाँ पर, देखो अभी आवाज़ आ रही है, कम से कम 3-4 चॉपर आ चुके हैं। और आखिरकार वह दिन आ ही गया कि 12 लोगों का पहला ग्रुप हम सभी को अलविदा कहकर अपने घर की वापसी कर रहे थे। तो भाई यहाँ पे हमारे 12 लोग जा रहे हैं, 12 टूरिस्टर, फाइनली लाचेन से लोग निकल रहे हैं अब। बाय 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 बाय। तो भाई फाइनली चले गए। मानो उस दिन लोगों में एक जश्न का माहौल था। बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय। लोग जा रहे हैं, मैं भले यहाँ पे अटका हुआ हूँ, लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही है ना लोगों को जाते हुए देखकर कि मैं बता नहीं सकता। लग रहा है कि मेरे फैमिली के लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और थोड़ा इमोशनल फील कर रहा हूँ। लेकिन सच बताऊँ यार, अपने तो लास्ट में मेरा नाम 400-450 लोगों के बाद भी मेरा नाम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मम्मी से बात हो गई थी मेरी, तो ये लोग जा रहे ना यार, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या मूवमेंट है यार, क्या मूवमेंट है सच बताऊँ तो। और आखिरकार मेरा यहाँ के लोगों को अलविदा कहने का वक्त आ चुका था। Thank you.
जाते वक्त तो मैं बड़ा खुश था, लेकिन यहाँ के लोगों को अलविदा कहने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ के लोगों के साथ बिताए गए उन बेहतरीन लम्हों को मैं काफी मिस करने वाला था। और आसमान से सिक्किम और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। एयरपोर्ट पर हमारे हेलीकॉप्टर को लैंड करने से पहले इस हेलीकॉप्टर में बैठे सभी लोग खुद को अपनी खुशी जाहिर करने से रोक नहीं पाए। तो फाइनली यहाँ पर हमारा रेस्क्यू हो गया। मैं अपने लाइफ में लाचेन वाली ये जर्नी कभी नहीं भूलूंगा। क्या एक्सपीरियंस हुआ यार। रेस्क्यू होने के बाद जब मैं अपनी स्कूटी लेकर गैंगटॉक से कोलकाता के लिए जा रहा था, तभी रास्ते में रंगफू नाम की जगह पड़ती है, जो कि सिक्किम के गैंगटॉक से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर है। और रंगफू भी जो उस रात को ग्लेशियर फटा था और वहाँ के मंजर देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। रंगफू में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ पर देखो कितने सारे डैमेजेस हुए। इतना मलबा आ गया है नदी का कि पूरे बिल्डिंग के ऊपर तक आ गया था। वहाँ पर वो जो घर है वो पूरे मलबे में छिप गया है, यानी पूरा मलबा उसे ढक लिया। बहुत ही तकरीबन 8 से 10 फीट ऊंचा मलबा यहाँ पर पूरा पूरे बिल्डिंग में डूब चुका है। तो भाई अब समझो कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। 3 तारीख को जो ग्लेशियर फटा लाचेन से, उसने पूरे सिक्किम में अलग लेवल की तबाही की थी। और सबसे ज़्यादा तो चुंगथान और सिंगथान या क्या जगह का नाम था, ये सब जगहें सबसे ज़्यादा 80% और तब मुझे रियलाइज हुआ कि कितने लोगों ने अपनों को खोया है। मैंने न्यूज़ में देखा था कि 15 फीट तक तिस्ता रिवर की जो पानी की लेवल थी बढ़ गई थी। 15 फीट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा।